का वेलकम है हमारे चैनल में। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं और आपके लिए लाते रहते हैं, जॉब्स के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड और वैकेंसीज के रिलेटेड, रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब कैसे कैसे करना है, आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा इस फोटो में, तो आपको वैसे ही वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं वो डायरेक्ट अपनी यूट्यूब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बिल्कुल पैसे लगते नहीं, आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि आप ऑफिसर कैसे बन सकते हो पुलिस में, IPS ऑफिसर आप कैसे बन सकते हो पुलिस में, उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं उसकी एज की। एज आपकी 18 से लेकर 32 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन उसमें मिनिमम आपको ग्रेजुएट पास करना है। आपको ग्रेजुएट आपकी कौन सी भी किस में भी आपने ग्रेजुएशन की है तो आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। जो अगर आप लास्ट ईयर में हो ग्रेजुएशन के तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स भी हो गए, जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ UGSA की अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स उनको लगने वाली है, दूसरी सर्टिफिकेट्स नहीं चलेगी ग्रेजुएशन की। और इसका फिजिकल स्टैंडर्ड कैसे होने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट जो होने वाली है मिनिमम हाइट 166 जो कि मेल के लिए है, 150 वो जो कि फीमेल के लिए है। और मिनिमम चेस्ट क्या है इनका, तो मेल के लिए 84 है, उसको एक्सपांड करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर से, आपको छाती फुगाना उसको बोलते हैं हम, वो 5 सेंटीमीटर आपको फुगा के दिखाना पड़ेगा। और फीमेल्स को 79 सेंटीमीटर और उसको एक्सपेंड करना है आपको 5 सेंटीमीटर। और बात करते हैं सैलरी की। इसकी सैलरी 30 से लेके 60,000 के बीच में होती है दोस्तों। और अगर आपने इसके अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई ऐसे करना है कि आपको आफ्टर आपने पास कर दिया है ग्रेजुएशन तो उसके बाद में आपको एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। एग्ज़ाम्स में आपको फर्स्ट प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू होकर आप सेलेक्ट हो जाते हो। प्रीलिम एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, पेपर वन होता है प्रीलिम एग्ज़ाम में और पेपर टू। पेपर वन में जनरल स्टडीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, पेपर टू में सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम बोलते हैं उसके ऊपर पेपर आते हैं। और दूसरा होता है मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम में किसके ऊपर पेपर आते हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के ऊपर इसके पेपर आते हैं। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या आपको इंडियन पुलिस में ऑफिसर बनना है तो ये तो आप अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upscgovernment.in इस पे जा सकते हो। साल में एक बार इसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए आपको 18 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए, 18 के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपीज़ फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि हम आपको बता देंगे जैसे रिक्वायरमेंट्स की नोटिस आएगी, हम आपको बता देंगे वीडियो बना के अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपको इसमें करियर बनाना है इंडियन पुलिस में तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है ये वीडियो, इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें कि जो वैकेंसीज की नोटिस आएगी तो आपके यूट्यूब स्क्रीन पे आपको दिखेगी। ऐसे ही अगर आपको न्यू इंटरेस्टिंग जानकारी आपको सुनना पसंद है तो इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नई नई भर्तियों का या न्यू जानकारी का आप आनंद लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।